प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया। तिलक समारोह में मंच पर बारवाला संघ ठुमके लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन पर एक्शन लिया गया है। जांच में तला चला कि सिपाही के तिलक में दरोगा बिना छुट्टी लिए पहुंच गए और डांसरों के संग जमकर ठुमके लगाए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसपी ने जांच कराई। सांगीपुर थाने में तैनात एक सिपाही का घर काजीपुर में है। बुधवार को सिपाही का तिलक था। तिलक में सांगीपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश यादव भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि समारोह में डांसरों के साथ दरोगा ने जमकर ठुमके लगाए। गुरुवार को दरोगा के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसपी सतपाल अंतिल ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने सीओ लालगंज रामसुरत सोनकर को जांच करने को कहा। सीओ की प्राथमिक जांच में पता चला कि दरोगा ने ना तो छुट्टी ली थी और ना ही अनुमति लेकर गया था। यह पता चलते ही एसपी ने दरोगा को तत्काल सस्पेंड कर सीओ लालगंज को विस्तृत जाँच करने को कहा। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कितने लोग गाजीपुर तिलक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसके बाद से थाने के अन्य पुलिस कर्मियों की जान भी आफत में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।